हेलो क्लास, टुडे वी आर गोइंग टू टेक चैप्टर थर्ड एंड दिस इज़ अबाउट नाउन. ओके, सो व्हाट इज़ नाउन? यू मस्ट कीप इन माइंड दैट नाउन इज सिनोनिमस टू नेम. नाउन जो है वो नेम का सिनोनिम है. ठीक है, ग्रामर में उसको नाउन कहते हैं और वैसे उसको नेम कहते हैं. ठीक है, नाउन मीन्स नेम. आप वर्ड मीनिंग में याद रखो, नाउन मीन्स नेम. नाउन कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है. सो दुनिया में जितनी भी चीज़ें, ऑल द थिंग दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, ईच हैज़ इट्स ओन नेम. सबको, क्योंकि हमारे पास लैंग्वेज है, वी हैव अ मीडियम टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स. सो दिस मीडियम इज़ कॉल्ड लैंग्वेज. लैंग्वेज इज़ अ मीडियम थ्रू विच वी कैन एक्सप्रेस आवर थॉट्स. हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, सो ईच ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड हैज़ इट्स ओन नेम. सबके पास अपना एक नाम होता है. ठीक, क्योंकि हमारे पास लैंग्वेज है, हमको हर चीज़ हमारे हमें हर चीज़ के बारे में बात करनी होती है, तो हमने सबको एक नाम दे दिया है. उसी नाम को नाउन कहते हैं. ठीक है, वो नाम किसी लैंग्वेज में भी, दे ऑल आर नाउन. सो फर्स्ट इज एंड नाउन. नाउ नेम्स आर डिवाइडेड इन फोर टाइप्स. नाम को चार कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है. फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, सेकेंड इज कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके, सो नाम को जब डिवाइड किया गया, तो कॉमन नाउन इज़ द नेम जो सब लोग एक चीज़ को बुलाते हैं ना, कि जैसे अब हवा है, विंड है, तो सब लोग उसको हवा ही कहेंगे. ठीक है, अब एक तरह की हवा का नाम ऑक्सीजन हो गया, समझ लो. ठीक है, ऑक्सीजन एक नाम हो गया, नाइट्रोजन एक नाम हो गया. जैसे लड़कियाँ आपको जितनी भी दिखती है, वो सब लड़कियाँ, सबको लड़कियाँ कहा जा सकता है. अगर आप किसी को नहीं जानते, आप देख के समझ में आ जाता है ये लड़की है लड़का. ठीक है, तो वो कॉमन नेम है जो सब लोग जानते हैं. बट हर इंसान का, हर चीज़ का एक स्पेशल नाम होता है जो उसकी पहचान को कॉमन से अलग करता है. ओके, फर्स्ट विल टेक कॉमन एंड प्रॉपर ऑल टुगेदर. सो पहले प्रॉपर और कॉमन को लेते हैं. प्रॉपर मीन्स होता है स्पेशल, प्रॉपर मीन्स स्पेशल, कॉमन मीन्स जनरल, साधारण, जिसको हम कहते हैं. ठीक है, तो किसी भी चीज़ को देख के जो हमारे दिमाग में नाम आता है ना, अगर हम उस चीज़ से आइडेंटिफाइड हैं, अगर उस चीज़ को जानते पहचानते हैं, तो एक जो हमारे दिमाग में तुरंत एक नाम आता है, अरे ये तो ये तो दीवार है. ठीक है, हमने कहा ये तो दीवार है. लेकिन जब आप वॉल ऑफ चाइना देखेंगे, तो आप उस वो आपको सिर्फ वॉल नहीं लगेगी, वो कुछ अलग है. उसका नाम है, मतलब वॉल ऑफ चाइना नाम है, वो स्पेशल है. वॉल ऑफ चाइना एक अलग स्पेशल नाम दिया गया उसको, क्योंकि वो सारी दीवारों से अलग है. ठीक है, सो हर कॉमन चीज़ का एक स्पेशल नाम होता है, एक स्पेशल नेम होता है, उसकी एक अलग पहचान होती है. जैसे कि हम क्या हैं, हम लड़की हैं. ठीक है, बट मेरा एक नाम है. अब मुझे सारी दुनिया की लड़कियों से अलग करने के लिए, मेरी एक अलग आइडेंटिफिकेशन के लिए, मेरे पेरेंट्स ने मुझे नाम दिया स्वाति. ठीक है, तो स्वाति मुझे अलग बनाता है. ठीक, तो माई प्रॉपर नेम इज़ स्वाति, बट माई कॉमन नेम इज़ अ गर्ल. यू कैन कॉल मी अ गर्ल. नाउ कम्स कलेक्टिव ना, होप प्रॉपर एंड कॉमन इज़ क्लियर. ओके, एक पेड़ आप देखते हो, तो सारे पेड़ है, ये भी पेड़ है, वो भी पेड़ है, वो कोई लंबा है, कोई छोटा है, बट उसकी जो उसका स्पेशल जो फीचर होता है, मतलब कोई मैंगो ट्री है, तो वो बाकी ट्री से अलग हो गया. आपने कहा दिस इज़ माई फेवरेट, दिस इज दिस मैंगो ट्री, तो वो मैंगो ट्री जो है, वो मैंगो ट्री जब आप उसको बोलते हो, तो वो उसको प्रॉपर बना देता है. ओके, सो कैसे कॉमन से हम प्रॉपर बनाते हैं. प्रॉपर मीन्स स्पेशल, कॉमन मीन्स कॉमन, यू ऑल नो. नाउ कम्स कलेक्टिव नाउन. हम कलेक्टिवली किसी चीज़ को जब एक नाम से बुलाते हैं, ठीक है, जैसे यू ऑल आर स्टूडेंट्स, यू ऑल रीड इन वन क्लास, आप सारे एक क्लास में, तो हम क्या कहते हैं जब हम वीडियो शुरू करते हैं, हम कहते हैं हेलो क्लास. ओके, आई ग्रीट यू एज हेलो क्लास. हेलो क्लास बोलते हैं ना. अब हम सबको ग्रीट नहीं कर सकते, ऑल 40 स्टूडेंट, आई कैन नॉट नेम ऑल ऑफ यू. ठीक है, वाइल ग्रीट, तो हम एक आप सबको एक एक करके ना बुलाएं, इसलिए आई कॉल यू क्लास. क्लास मीन्स ही हो गया, क्लास किसी एक बच्चे से नहीं बन सकता. क्लास में बहुत सारे बच्चे चाहिए, एक टीचर चाहिए, ठीक है, तब वो क्लास बनता है. अदरवाइज तो रूम बन जाएगा, वो रूम रह जाएगा. जैसे नाउ आई एम टीचिंग इन अ रूम, आई कैन नॉट कॉल दिस क्लास. विदाउट स्टूडेंट नो क्लास कैन एग्जिस्ट. ओके, सो कलेक्टिवली जब हम किसी को बुलाते हैं, अब बहुत सारे लोग हैं जो बॉर्डर पे काम करते हैं, बॉर्डर पे लड़ने जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको आर्मी कह देते हैं. ठीक है, आर्मी मीन्स ही हो गया कि बहुत सारे लोग. आप टीम किसी एक इंसान को नहीं कह सकते, टीम मीन्स ही हो गया इंडियन टीम, कि बहुत सारे लोग कलेक्टिवली. ठीक है, सो कलेक्टिव नाउन बहुत सारी चीज़ों को या बहुत सारे लोगों को, अ ग्रुप ऑफ पीपल और अ ग्रुप ऑफ पर्सन, व्हेन दे आर गिवन अ सिंगल नेम इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन और कलेक्टिव नेम. ठीक है, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी चीज़ों को जब हम एक नाम देते हैं, और वो नाम ही बताता है कि वो बहुत सारे हैं. जैसे आप कहते हो बंच ऑफ बनानास, तो बंच मीन्स ही हो गया कि वो एक ही, आप बंचेस नहीं बोलेंगे, आप बंच बोलेंगे वो समझ में आ जाएगा कि उसमें 12 बनानास होंगे. ओके,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नाउ कम्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन. कभी कभी क्या मतलब वॉट एवर सिचुएशन वी फेस, वॉट एवर कंडीशन वी फेस, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखती नहीं है, ओनली वी कैन फील. ओके, उन चीज़ों को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उनका भी तो नाम ही होता है. ठीक है, जैसे कोई बहुत पुअर है, उसकी कंडीशन बहुत पुअर है, तो हम कहते हैं पॉवर्टी, इज लिविंग इन पॉवर्टी. तो पॉवर्टी क्या होगी, एक सिचुएशन हो गई. गरीबी को पॉवर्टी कहते हैं, कोई दिखता नहीं है ऐसे, गरीबी कोई दिखने वाली चीज़ नहीं, कोई इंसान ही आके आपके सामने खड़ा हो जाएगा, बट यू कैन फील द सिचुएशन. ओके, तो आप उसको पॉवर्टी कहते हैं. आप किसी को हैप्पी बुलाते हो ना, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज ऑल्सो अ नाउन. अच्छा, थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्या, मतलब एडजेक्टिव में और नाउन में डिफरेंस होता है. एडजेक्टिव मैंने हमेशा नाउन के साथ हम इसलिए पढ़ाते रहते हैं कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो. जब भी एडजेक्टिव के साथ नाउन आए, मतलब नाउन के साथ में ये सब सारी चीज़ें आ जाए, हैप्पी आ जाए, सैड आ जाए, पुअर आ जाए, तो वो एडजेक्टिव हो जाता है. ठीक है, हमेशा हम इसलिए इसको रिमाइंड कराते रहते हैं सो दैट यू डोंट गेट कन्फ्यूज. लेकिन जब हम उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं, बस उसका नाम ले रहे हैं, जैसे मैंने कहा रनिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, सो रनिंग जो यहाँ पे नाम है, रन वर्ब है, याद रखना रन जो है वो वर्ब है, लेकिन रनिंग की बात हो रही है. सब जब हम सब्जेक्ट की जब सब्जेक्ट की डेफिनेशन हम सुनाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, द वर्ड वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है, और उसी सब्जेक्ट में ही आता है नाउन प्रोनाउन, सब्जेक्ट में ही आ जाता है ना. तो इसलिए जो नाउन होता है वो किसी कंडीशन का, सिचुएशन का, फीलिंग का भी नाम जो है वो नाउन है. ठीक है, प्रॉपर नाउन, स्पेशल नाम हम देते हैं, कॉमन नाउन सबके होते ही हैं, कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन ऑफ थिंग्स और पीपल को एक नाम देते हैं उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं क्वालिटी, कंडीशन और सिचुएशन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. ओके, अ नेम एंड आइडियाज़ और फीलिंग, किसी आइडिया के नाम को भी हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके, जैसे इंथुजियाज़म हो गया, अभी हम किसी को कहें इंथुजियास्टिक, ही इज़ वेरी इंथुजियास्टिक, सो इंथुजियास्टिक एडजेक्टिव हो जाएगा, लेकिन इंथुजियास्टिक का नाम है इंथुजियाज़म. गॉट इट, डिटरमाइंड होना, डिटरमाइंड काम होता है, बट डिटरमिनेशन इज अ नाउन. ओके, सिंपैथी इज अ नाउन, विजडम इज अ नाउन. ओके, गॉट इट, जिसके बारे में आप बात कर सकते हो, आप विजडम के बारे में बात कर सकते हो. अगर कोई किसी के अंदर विजडम होगा तो उसको आप कहेंगे वाइज, ही इज़ वेरी वाइज. ठीक है, किसी के अंदर सिंपैथी होगी तो आप कहोगे ही इज़ वेरी सिंपैथेटिक. ओके, ही इज़ वेरी डिटरमाइंड, ये आप नहीं कह सकते ही इज़ वेरी डिटरमिनेशन. डिटरमिनेशन तो चीज़ ही है, जैसे ब्यूटी सुंदरता है, बट आप किसी को नहीं कहते शी इज़ ब्यूटी, ऐसा नहीं बोलते ना, आप बोलते हो शी इज़ ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल उसका एडजेक्टिव हो जाता है. ब्यूटी जो है वो नाउन है, होप आप समझ रहे होगे, डिफरेंस समझ रहे हो. एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझना बहुत ज़रूरी है. ओके, क्योंकि इसी में फिर आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आता है कि आप ये सारी चीज़ें प्रॉपर क्या है, कॉमन क्या है, कलेक्टिव क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्या है, ये तो आप बचपन से पढ़ो, बट अभी आपको क्या करना होता है, आगे एक्सरसाइजेज में आपको कन्वर्ट करना होगा प्रॉपर, मतलब आपको कॉमन से उसको एब्स्ट्रैक्ट बनाना होगा और एब्स्ट्रैक्ट से कॉमन बनाना होगा, ये सारी चीज़ें करनी होती है. इसलिए एडजेक्टिव से नाउन बनाना होगा, नाउन को एडजेक्टिव बनाना होगा, वर्ब को नाउन बनाना होगा. ठीक है, सो इसलिए हम ये सारी चीज़ें आपको रिकॉल करा रहे हैं कि आपके दिमाग में होना चाहिए कि विजडम जो है वो नाउन है. ठीक है, डिटर्मिनेशन जो है वो नाउन है. ओके, नाउ कम टू, सो दैट इज क्लियर. ओके, सी कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, दीज आर द कॉमन नाउन्स. कार एक कॉमन नाउन है. अब कार का प्रॉपर नाउन मतलब सारी कार दुनिया में, छोटी बड़ी अच्छी ब्रांडेड लग्जूरियस जो भी कार होती हैं, उन सब का एक अलग नाम होता है. ठीक है, आप कहते हो ये सेंट्रो है, ये वो है, वो ये फरारी है. ठीक है, तो सारे अब कार लिखा हुआ है. अब कार को जब जैसे अभी आपने टेस्ला लिख दिया, ठीक है, आगे आप लिख दो कि ये टेस्ला आई है बॉटल टेस्ला कार, तो टेस्ला जो है वो उसका प्रॉपर हो जाएगा, उसका स्पेशल नाम हो जाएगा. जैसे मेरा नाम लड़की और मैंने अपना नाम स्वाति रखा है. ठीक है, मतलब मेरे पेरेंट्स ने मुझे स्वाति नाम दिया है, तो ये स्पेशल हो गया. रेस्टोरेंट, बस्ती में कितने सारे रेस्टोरेंट हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, और आपको अभी इस रेस्टोरेंट को एक नाम देना है, मतलब किसी भी रेस्टोरेंट का नाम लिख दो वो प्रॉपर हो जाएगा. सो प्रॉपर मीन्स स्पेशल. यू हैव फोर फाइव फ्रेंड्स, आपके चार पाँच फ्रेंड्स हैं. फ्रेंड जो है वो दोस्त को कहते हैं, कॉमन नाउन है. फ्रेंड का नाम बता दो, प्रॉपर हो गया. रिवर आप बहुत सारे जानते हो, किसी रिवर का नाम बता दो, प्रॉपर हो गया, उसका स्पेशल नेम हो गया. ठीक है, सो होप यूल डू इट योर सेल्फ. नाउ कम्स काउंटेबल नाउन. सम नाउन्स आर काउंटेबल एंड सम नाउन्स आर अनकाउंटेबल. मीन्स
few nouns are there are some noun you can count and there are some noun you cannot count, you can never count. Okay, कुछ काउंट नाउन को हम जब काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, जिनको इजीली गिना जा सकता है, जो काउंटिंग में ही आते हैं, काउंटिंग में रखे जाते हैं, उनको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं. ठीक है, जैसे बुक हो गया, आप अपनी बुक्स गिन के रखते हो, खरीदने जाते हो तो गिन के खरीदने जाते हो. ठीक है, आप नोटबुक खरीदते हो तो काउंट करके लेते हो कि इतनी है कि नहीं है. ठीक, सो जाहिर से बात है वो काउंटेबल है. बसेस बहुत इजीली काउंट करते हो आप, चर्चेस काउंट करते हो, मैंगोज काउंट करते हो, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही मतलब बहुत ही इजीली आप काउंट करते हो. वाइफ को काउंट करते हो, थीफ को काउंट करते हो, एंड दीज आर द मेथड हाउ कैन यू मेक देम सॉरी प्लूरल. ओके, कैसे आपको सिंगुलर से इसको प्लूरल बनाना होता है. ठीक है, सो बुक ऐसे नाउंस में आप केवल एस लगा देते हैं, जो कि ऐसे एंड मतलब मेनी नाउंस फ्रॉम देयर प्लूरल बाई एडिंग एस, केवल एस लगा के आप उसको प्लूरल बना सकते हैं. मतलब एक से आप उसको बहुत सारे बना सकते हैं, एक से ज़्यादा बना सकते हैं. ओके, बस में ईएस लगाना होता है तो सबके अलग अलग वे होते हैं प्लूरल बनाने के. कहीं अगर सी एच है, जेड है, या समटाइम्स ओ है, तो इन सब चीज़ों को हम उसके आगे हम ईएस लगा देते हैं. ठीक है, तो हम उसको प्लूरल बनाते हैं. सो दीज आर द मेथड. ये एक बार आपको जस्ट गो थ्रू द पेज, आप सब बच जाएंगे. ठीक है, ये हो गया काउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल मिल्क हो गया, एडवाइस हो गया. अच्छा हाँ, एडवाइस में एक चीज़ बता देते, ए डी वी आई सी ई, दिस कैनॉट कैनॉट मेक प्लूरल. ओके, बिकॉज दिस इज़ ऑलरेडी प्लूरल. ए डी वी आई सी ई में कभी भी एस नहीं लगाते, ये प्लूरल ही होता है. ठीक है, ए डी वी आई एस ई जो होता है वो एडवाइस, वो वर्ब होता है. ठीक, उसको आप एस लगा के आप उसको सिंगुलर प्लूरल वर्ब बनाते हैं. ठीक, ये एडवाइस जो है ये नाउन है, याद रखना. वाटर हो गया, वाटर को काउंट नहीं करते, जूस को काउंट नहीं करते, बॉटल्स को काउंट नहीं करते, बटर को काउंट नहीं करते, फ्लोर को काउंट नहीं करते, वेस्ट, ग्लू, इन चीज़ों को हम काउंट नहीं करते. ओके, दैट्स इट. नाउ कम्स नाउन जेंडर. अब जेंडर भी आप बहुत सालों से पढ़ रहे हैं. एक्चुअली ये सारी चीज़ें हम अपनी हैंड रिटन वीडियो में, मतलब वो राइटिंग के साथ एक वीडियो जाएगी, उसमें मैंने बहुत क्लियरली समझाया हो, वो देख लेना आप लोग. ठीक है, जेंडर हो गया, जेंडर भी आप पढ़ ही रहे हो इतने दिन से. मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन. मैस्कुलिन मींस मेल, ऑल मेल कम्स अंडर मैस्कुलिन जेंडर. ऑल फीमेल कम अंडर फेमिनिन जेंडर. कॉमन जेंडर वी कैन, कॉमन जेंडर वी कैन यूज़ फॉर बोथ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन. न्यूटर जेंडर, जिसमें जान नहीं होती है, उसको न्यूटर जेंडर कहते हैं. ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के लिए, ऑब्जेक्ट का कोई जेंडर नहीं होता, न्यूटर जेंडर मीन्स नो जेंडर. ठीक है, जिसका कोई जेंडर नहीं होता उसको न्यूटर जेंडर कहते हैं. सो मैस्कुलिन सारे मेल को आप पहचान लोगे, चाहे वो इंसानों वाले मेल हों, चाहे वो जानवरों वाले मेल हों, बर्ड्स में मेल हो, सब आप मैस्कुलिन जेंडर में आ जाते हैं. फेमिनिन जेंडर यू ऑल नो. कॉमन जेंडर जैसे डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, ये सारे कॉमन जेंडर होते हैं, जो कि मेल भी होते हैं, फीमेल भी होती हैं. ठीक है, न्यूटर जेंडर में कोई जिसमें जानी हो, चेबर, टेबल, ब्लैक बोर्ड, बुक, कॉपी, ये सब प्यूटर जेंडर हो गए. सो नाउ कम्स केस. केस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. केस क्या होता है? वंस यू नो वॉट इज़ नाउन, एक बार आपको पता चल गया कि नाउन होता क्या है, तो नाउन का जो प्लेस होता है, वेयर वी कैन गेट द नाउन, इज़ कॉल्ड नाउन केस. समझ लो नाउन का घर हो गया. ठीक है, एक तो हम नॉमिनेटिव केस में नाउन का यूज़ करते हैं, जब हम एज अ सब्जेक्ट सबसे पहले नाउन को रखते हैं और वह सेंटेंस बनाते हैं. जैसे रजत बॉट अ बाइक, रजत एक बाइक लेके आए, तो इसमें क्या है, रजत जो है वो नॉमिनेटिव केस में है. इसी को हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं. नॉमिनेटिव केस को ही हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं, मतलब जब नाउन आपका सब्जेक्ट की जगह पे है तो उसको सब्जेक्टिव केस कहते हैं. ओके, जब नाउन आपका ऑब्जेक्ट की जगह पे जाता है, तो कोई पूछे नाउन का केस क्या है, तो आप कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस है. वी बॉट सम ऑरेंजेस. अब किसी को अगर कन्फ्यूज़न हो कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, तो मतलब एक रिविज़न के लिए हम आपको बता दे रहे हैं. वैसे ये अलग चैप्टर में भी पढ़ाया जाएगा और पहले भी पढ़ाया गया है कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं. ऑब्जेक्ट हम बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. वी जस्ट हैव टू आस्क टू क्वेश्चन, व्हाट और हुज. ठीक है, वर्ब पे हम क्वेश्चन करते हैं, व्हाट और हुज से हमें आंसर मिल जाता है. ओके, वी बॉट सम, व्हाट वी बॉट, ऑरेंजेस. आंसर क्या है, ऑरेंजेस. होम वी वॉट, किसको खरीदा, कोई आंसर नहीं है. ठीक है, कभी कभी क्या होता है, दोनों के आंसर होते हैं. जैसे आई कॉल्ड हिम, ठीक है, तो मैंने आई होम आई कॉल्ड हिम,
तो हिम आंसर आ गया, ये वहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया. वी बॉट, व्हाट वी बॉट, ऑरेंजेस, व्हाट का आंसर आ गया. तो व्हाट और हुज और हुम से जो भी आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट. ओके, सो वी बॉट, व्हाट वी बॉट, ऑरेंजेस, इसमें ऑब्जेक्ट है. ऑरेंज आप जानते हो नाउन है, ठीक है, सबको पता है कि ऑरेंजेस जो है वो नाउन है. और ये इनकी जगह अभी कौन सी ऑरेंजेस की, वो ऑब्जेक्टिव केस में है. ऑब्जेक्टिव केस में मतलब कि ऑब्जेक्ट की जगह पे है. तो जैसे अगर वो सब्जेक्ट की जगह पे होगा तो सब्जेक्टिव कहलाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे होगा तो ऑब्जेक्टिव कहलाएगा. ओके, और जब नाउन के साथ कोई पोजीशन, कुछ उसकी ओनरशिप जुड़ी होगी, कि नाउन की कोई चीज़ एपोस्ट्रॉफी लगा होगा, उसको हम कहते हैं पोजेसिव केस. ठीक है, पोजेशन मीन्स होता है ओनरशिप, किसी की कोई चीज़ किसी से बिलोंग करती है उसको ओनरशिप कहते हैं. दिस इज़ मीराज डेस्क. ये डेस्क जो है ये बिलोंग करती है मीरा को, मतलब ये मीरा की डेस्क है. तो मीरा के साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है. एपोस्ट्रॉफी एस का मतलब ही होता है कि कोई चीज़ किसी की होना. ठीक है, तो मीरा नाउन है, डेस्क भी नाउन है. तो ये किस केस में, ये पोजेसिव केस में. चिल्ड्रंस टॉयज, टॉयज क्या है, नाउन है, चिल्ड्रन भी नाउन है. तो ये कौन से केस में आ गया, अगर कोई पूछे ये केस क्या है, तो बहुत इजीली आप बता देंगे कि ये तो कौन सा केस है, ये केस है पोजेसिव केस. ओके, नाउ वोकेटिव. वोकेटिव इज़ वेरी इजी एंड ये कन्फ्यूज़न वाला होता है. जैसे कि नॉमिनेटिव, आप नाम से समझ जाते हैं कि नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव एक ही चीज़ है, मतलब जो सब्जेक्ट की जगह पे है. ऑब्जेक्टिव आप समझ जाते हो कि जो ऑब्जेक्ट की जगह पे है. पोजेसिव आप समझ जाते हो किसी का पोजिशन होना. वोकेटिव वो कैप किसके लिए यूज़, बोलने के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, वोकेटिव का मतलब होता है जब किसी को बुलाया जाता है. ठीक है, जैसे ये सेंटेंस लिखा, प्रवीण कम हेयर, मतलब प्रवीण को बुलाया गया. किसी को एड्रेस जब हम कर रहे होते हैं, जब किसी को नहीं, जब हम नाउन को एड्रेस कर रहे होते हैं, उस केस में, ऐसे केस में जब, और जब ऐसा सेंटेंस होता है ना जिसमें किसी को एड्रेस किया जाता है, किसी को बुला के कोई बात कही जाती है, तो उसके बाद ज़रूर ही कॉमा आता है. अगर आपको सेंटेंस लिखना है, आपको डायलॉग्स लिखने हैं, जैसे स्क्रिप्ट लिखी जाती है ना, तो स्क्रिप्ट में क्या होता है कि एक, मतलब वो ड्रामा के फॉर्म में लिखा जाता है. आप पहले आगे नाम लिखा रहता है, उसके बाद उसका डायलॉग लिखा रहता है. ठीक है, उसने जो भी बोला बिल्कुल उसके वर्ड्स में डायरेक्ट लिखा रहता है, इनडायरेक्ट नहीं होता, वो डायरेक्ट लिखा रहता है. ठीक है, सो यहाँ पे डायरेक्ट एक सेंटेंस लिखा, प्रवीण कम हेयर. तो किसी ने प्रवीण को बुलाया और बुलाने के बाद कॉमा आ गया, इसी कॉमा से पता चला कि प्रवीण को बुलाया जा रहा है. गॉट इट? तो प्रवीण जो है वो एक नाम है और इसके बाद एक कॉमा लगा हुआ है, मतलब प्रवीण को बुलाया जा रहा है. दैट्स वाई वी कॉल इट वोकेटिव केस. ऐसे केसेस को हम वोकेटिव कहते हैं. ओके, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. लतिका, गेट ऑफ द लॉन, लॉन से बाहर जाओ. ठीक है, तो लतिका को बुला के कहा गया, लतिका को बुलाया गया, उसको एड्रेस किया गया और कहा गया तुम लॉन से बाहर जाओ. मतलब लतिका कौन से केस में, वोकेटिव केस में. ओके, होप यू अंडरस्टैंडिंग. नाउन कम्स डेटिव केस. नाउन का जो है डेटिव केस होता है, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज एज अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जब इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं. ठीक है, उसको हम कहते हैं डेटिव केस. द पोस्टमैन ब्रॉट अ लेटर फ्रॉम हिम, इसके पहले प्रपोजिशन आएगा, उससे लेके आया पोस्टमैन, किसी से. ऑब्जेक्टिव केस में होगा, इसके पहले प्रपोजिशन आता है. ठीक है, उसको कहते हैं हम डेटिव केस. ओके, डेटिव केस कम पूछा जाता है और बहुत इजी है समझना. इसके पहले आपको मिलेगा प्रपोजिशन मिलेगा, ऐसा लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट है, मतलब इनडायरेक्ट, एक्चुअली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है लेकिन प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है, ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम कहते हैं डेटिव केस. ओके, जब आपका नाउन या प्रोनाउन डेटिव केस में होगा तो वो ऑब्जेक्ट की जगह पे होगा, बट उसके पहले क्या आएगा, प्रीपोजिशन. दैट्स ऑल अबाउट नाउन, नाउन केस, नंबर, जेंडर एंड ऑल. इफ देर इज एनी कन्फ्यूजन, फील फ्री टू आस्क.